तो भाई हमें मिल चुका है रुद्राक्ष, अब हम लोग जा रहे हैं सामने। एंड इस साइड आप फ्री में रुक सकते हो और ये पूजा की सामग्री आपको 50 रुपये में मिलेगी और यहाँ पर आपको बेलपत्र मिलेगी। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं कुबेरेश्वर धाम में। यहाँ पर आपको सारी चीजें निशुल्क कैसे मिलेगी वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो भाई लोग अभी हम लोग रुद्राक्ष लेने जा रहे हैं और उसके बाद में दर्शन करेंगे भगवान जी का और आप लोगों को फुल अच्छे दर्शन बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर है और इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ पर हुआ है। तो अब ऐसे कुछ रास्ते से जाना है हमारे को, इस टाइप का कुछ रास्ता है हमारे सामने। एंड जहाँ पर आपको रुद्राक्ष मिलेगा वहाँ पर बाहर साइड का कुछ इस टाइप का नज़ारा है और हम लोग लाइन में लग कर मात्र हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15-20 मिनट में हमारे को रुद्राक्ष एक मिल चुका था, लेकिन पर पर्सन पर एक ही रुद्राक्ष मिलेगा। सो गाइस हमें मिल चुका है रुद्राक्ष, अब हम लोग जा रहे हैं सामने और आप लोगों को सामने का दर्शन कराते हैं, फिर देखते हैं कि और भी हमारे को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नहीं मिलने वाली है। तो गाइस रुद्राक्ष तो मिल गया और ये इतनी ज़्यादा सही लगा दी है, क्या करें, ठीक है। और सबसे पहले आपको हमारे नारायण जी की मूर्ति दिखाई देगी, उन्हीं के जस्ट सामने आपको मंदिर दिखाई देगा और दिखाई देगी ये भोलेनाथ की बड़ी सी शिवलिंग। और भाई लोग ये गौशाला है, मेरे जस्ट पीछे अभी बाबा की मूर्ति बन रही है, अभी उसका काम चालू है, यहाँ से पूरा सील कर दिया है क्योंकि कोई देख ना सके। अब चलिए बाबा की मूर्ति हम आपको पास से दिखाते हैं। पर हाँ आप मंदिर के सामने सीधे नहीं आ सकते, आपको थोड़ा राउंड घूम कर आना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं मंदिर में। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के सामने, अब आप लोगों को मंदिर के अंदर का दर्शन कराते हैं कि यहाँ पर क्या सीन हो रखा है अभी का। और चलिए अब हम मंदिर। और यही वो व्यास पीठ है जहाँ से आपको बेलपत्र फ्री में वितरित होगी जिस टाइप से हमारे को मिली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यही वाली वो जगह है जहाँ पर आप लोग फ्री में रुक सकते हो, आप लोग चाहे जितने दिन भी रुकना चाहो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन वो आपकी इच्छा। फिर हम लोग भी थोड़ा सा घूम घूम कर थक गए थे तो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे। यहाँ पर पंखे भी गाइज चालू रहते हैं हमेशा और आपको यहाँ पर एक आनंद की अनुभूति होती है अगर आप बैठोगे तो। और यही वो चीज़ है जिसे केदारनाथ से शंकर भगवान जी की शिवलिंग बनाने के लिए लाया है। इनमें अभी भी इतनी शक्तियाँ है, अगर आप इनसे कुछ मांगते हो तो वो इंस्टेंट आपकी इच्छा पूर्ति कर देंगे। हर हर महादेव। और ये मेन मुख्य मंदिर के साइड में आपको शुद्ध जल मिल जाएगा जहाँ से आप लोग वितरित करके जलपान कर सकते हो। और आप यहाँ पर ट्रेन, बस, स्वयं की कार व बाइक से भी आ सकते हो। और आप ट्रेन से या बस से आते हो तो आपको ऑटो वाले को मात्र 50 रुपये देना पड़ेगा सीहोर से कुबेरेश्वर धाम आने के लिए। एंड यहाँ पर आपको सुबह और शाम फ्री में भोजन वितरित होगा तो आप लोग यहाँ से भोजन ग्रहण कर सकते हो। और यहाँ पर आपको गौशाला भी दिख जाती है जिसमें आप अपनी कुछ मूल राशि दान दे सकते हो। सो गाइस फाइनली अब दर्शन हो चुका है, अब हम लोग करेंगे शॉपिंग वॉपिंग। और भाई लोग यहाँ से आप कोई सा भी प्रोडक्ट ला सकते हो घर पर, याददाश्ता के टाइप का। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सस्ते में और प्योर आपको एक ही चीज़ मिलती है जिसका नाम है चंदन गाइस। और यहाँ पर कई प्रकार के चंदन आप लोगों को अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, तो आप लोग अगर चंदन चाहो तो यहाँ से ज़रूर ले सकते हो। और रुद्राक्ष की माला और अंदर से आपको फ्री वाला रुद्राक्ष तो मिल ही जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को अगर ये वाली वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन गेन हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भूलना लिखना ना भूलना। और भाई लोग हमारे फैमिली मेम्बर की बहुत ज़्यादा इच्छा थी इस वीडियो में आने की, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हो। और हम लोगों ने हमारे कान्हा जी को भी लाया था यहाँ पर घुमाने के लिए, वो भी आपकी फैमिली का एक मेंबर होते हैं गाइज, अगर आप लोग कहीं जाओ तो प्लीज़ उन्हें भी ले जाओ।